आज बहादुरपुरा कॉन्स्टेंसी के जो दलित बंधु स्कीम थी उसके 5 बेनिफिशियर्स को जो दलित बंधु के तहत 10-10 लाख रुपए मिले थे और वो बेनिफिशियरी से गवर्नमेंट स्कीम निकाली थी, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट को अगर वो बेनिफिशियरीज अपने 10 लाख रुपए की अगर गाड़ी खरीद के देता है तो वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट उस बेनिफिशियरी से 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये गाड़ी ले लेता है वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, और हर महीना तकरीबन 1,20,000 रुपये के तहत किराए के तौर के ऊपर उस बेनिफिशियरीज को मिलेंगे, जिसमें एक ड्राइवर होना चाहिए, 2 साफ सफाई करने के लिए आदमी होना चाहिए और गाड़ी है, समझिए आप। उसके तहत आज इनॉग्रेशन किया गया है बहादुरपुरा कॉन्स्टेंसी के 5 गाड़ियों का, और उसका प्रोग्राम रखा गया था। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का एक ही मकसद है और एक ही चीज़ है कि हम किस तरीके से आवाम को सहूलत पहुँचाए। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ये कभी भी नहीं चाहती, वो दलित है, बीसी है, माइनॉरिटी है, क्रिश्चियन है, हमारा मकसद ये है या वो हैदराबाद पार्लियामेंट होने दीजिए या बहादुरपुरा कॉन्स्टेंसी होने दीजिए या हमारे डिविजन्स होने दीजिए, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का हर वर्कर, कॉरपोरेटर, एमएलए, सदर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हमेशा मजहबी बुनियाद के ऊपर ये जमात को नहीं चलाते हैं, हम डेवलपमेंट के तहत इस जमात को चलाते हैं। और उसका आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हर फिरके के लोगों को लेकर, हर जमात के लोगों को लेकर, हर तबके के लोगों को लेकर इस महल्ले में हर वजह का डेवलपमेंट चाह रही है, और उसी मकसद के संगात मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आगे बढ़ रही है। हमारा मकसद ये है, जैसा आज दलित बंधु हुआ, हमारे दलित भाइयों को फ़ायदा हुआ, बीसी कॉरपोरेशन के तहत बीसी लोन्स दिए जा रहे हैं तो बीसी कम्युनिटी के लोगों को फ़ायदा हो रहा है, माइनॉरिटी लोन दिया जा रहा है तो मुसलमानों को फ़ायदा हो रहा है, दीगर स्कीमात अलग अलग डिपार्टमेंट के तहत दिए जा रहे हैं तो उन लोगों को फ़ायदा हो रहा है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का एक ही मकसद है, हमारा मकसद ये है हर गवर्नमेंट की स्कीम आवाम के दरमियान में पहुँचना चाहिए और आवाम को फ़ायदा होना चाहिए, वही मतलब लेकर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आगे चल रही है, आगे बढ़ रही है। इंशाअल्लाह ताला और भी प्रोग्राम्स होंगे, मैं आपके तहत आकर फिर आपसे बात करूँगा।